जय श्री गणेश। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्म में। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना और आज हम आपको राशिफल लेके आए हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मेष राशि वालों से। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम स्टार्ट कर रहे हैं मेष राशि से। तो मेष राशि वालों, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन संपत्ति के मामले में भी आप लकी साबित रहेंगे, परिवार आपका अच्छा बढ़िया रहेगा, प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे, व्यवसाय में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है लेकिन आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर दिन आपका अच्छा है, बढ़िया है। 6 नंबर आपके लिए लकी है और गुलाबी रंग आपके लिए शुभ रहेगा। आपको सलाह दी जाती है कि यदि आप हरे रंग का प्रयोग करें, यानी कि भगवान श्री गणपति को हरी दुर्वा चढ़ाएंगे, तो आपको इससे लाभ होगा। और गणेश चालीसा का पाठ कीजिए, आपको पक्का लाभ होगा। नेक्स्ट नंबर पे आता है वृषभ राशि। आपका थोड़ा सा डाउन खराब है समय, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होगा लेकिन धन संपत्ति के मामले में पैसा आएगा जाएगा, काम होते रहेंगे, परिवार में हल्की फुल्की कोई नोक झोंक हो सकती है। प्रेम में आपको थोड़ी सी निराशा की महसूस होगी, शायद आप अपने प्रिय को महसूस करें, उसकी कमी महसूस करें। व्यवसाय में कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, आपको आराम से रहेंगे। और वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा पति या पत्नी से नाराजगी आपकी हो सकती है, इससे अगर आपको क्या करना होगा, आपको शुभ नंबर आपका 5 है, हरा फिरोजी रंग आप पहन सकते हैं। आपको क्या करना है कि चंद्रमा के जो भी उपाय आप कर सकते हैं वो करिए। चंद्रमा को जल चढ़ा सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं और शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं, तो इससे आपको लाभ होगा निश्चित रूप से। मिथुन राशि वालों, अब आपकी बात करते हैं। तो स्वास्थ्य आपका डामंडोल रह सकता है, धन संपत्ति के मामले में पैसा आएगा जाएगा, काम होते रहेंगे, परिवार के साथ आपकी अच्छी बनेगी, प्रेम संबंध भी आपके ठीक ठाक रहेंगे। व्यवसाय में हल्की फुल्की दिक्कत है लेकिन वह जीवन में भी आपके बहुत ना अच्छा है ना बहुत खराब है, लेकिन बैलेंस है। 3 नंबर आपके लिए शुभ रहेगा, केसरिया पीला रंग आपके लिए अच्छा है। आपको क्या करना है, हनुमान जी की पूजा पाठ करना आपके लिए श्रेयकर रहेगा यदि आप करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है कर्क राशि। कर्क राशि वाला, स्वास्थ्य आपका उत्तम है, बढ़िया है, अच्छा दिख रहा है और मन में नए विचार भी आ सकते हैं, थोड़े उत्साहित रहेंगे, आत्मविश्वास से भरे रह सकते हैं। धन संपत्ति के मामले में आपका लाभ अच्छा रहेगा, पैसे से आपको खुशियां मिलती रहेंगी, परिवार के साथ आप अच्छा सुकून भरा टाइम बिताएंगे जरूर। व्यवसाय में यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय बदलना चाहते हैं तो भी मत बदलिएगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी खटास आ सकती है, किसी बात को लेकर नाराजगी हो सकती है, फिर भी दिन अच्छा है आपका। 7 नंबर आपके लिए शुभ रहेगा, क्रीम या सफ़ेद रंग आपके लिए शुभ रहेगा। आपको क्या करना है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या अपनी पति पत्नी साहब मिलते हैं, चंदन का इत्र देना उनके लिए अच्छा रहेगा आपको, क्योंकि ये राहु को मजबूत करता है जब आप चंदन का इत्र देते हैं, और आपके प्रेम संबंध को भी मजबूत करता है। फिरोज़ा पहनने से भी आपको लाभ मिलेगा अगर आप पहनते हैं फिरोज़ा। तो नेक्स्ट नंबर पर आती है हमारे पास सिंह राशि। सिंह राशि वालों, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, धन संपत्ति के मामले में बहुत ज़्यादा लकी नहीं है आप, परिवार में थोड़ी सी करवाहट हो सकती है, प्रेम के संबंध आपके अच्छे रहेंगे, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा और परिवार में भी इतना ज़्यादा नहीं है, हल्की फुल्की तू-तू मैं हो सकती है, बहस हो सकती है, पर आपका व्यवसाय काफ़ी हद तक अच्छा है, इतना ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ी बहुत आपके अंदर थोड़ा सा स्वाभिमान भी ज़्यादा होता है, दबते नहीं है किसी से जल्दी से, इसलिए भी दिक्कत आती है। तो शुभ अंक आपके लिए 5 रहेगा, हरा फिरोजी रंग आपके लिए लकी रहेगा। अब वो करना क्या है, भगवान सूर्यदेव की यदि आप स्तुति करते हैं, उनकी प्रार्थना प्रणाम करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। कन्या राशि वालों से बात करेंगे। तो कन्या राशि वालों, आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा डामंडोल रह सकता है, धन संपत्ति के मामले में आप लकी रहेंगे, पैसा आएगा जाएगा, काम होता रहेगा, थोड़ा पैसा आप हो सकता है रोक के भी रख सकते हैं, परिवार के साथ आपका अच्छी तालमेल बैठेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जो प्रेम संबंध है और आपके वैवाहिक जीवन संबंध है, इसमें आपका थोड़ा सा बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। यदि आप ईगो को हर्ट ना करें अपनी, तो आपका बैलेंस भी बैठ जाएगा। 4 नंबर आपके लिए लकी रहेगा, भूरा सलेटी रंग भी आपके लिए लकी रहेगा। आपको करना क्या है, थोड़ी बहुत गाय की सेवा कर लीजिए, गाय की सेवा आपको जरूर फलेगी। इसके बाद जो हम जिस राशि की बात करते हैं उसको बोलते हैं तुला राशि वालों। तो तुला राशि वालों, आपके लिए क्या अच्छा है अब आपको बता देती हूँ। स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, धन संपत्ति के मामले आपके अच्छे रहेंगे, परिवार के साथ आपकी थोड़ी बनेगी थोड़ी नहीं बनेगी, यानी कि बैलेंस रहेगा, किसी बात को लेके थोड़ी बहुत नाराजगी हो सकती है आपके मन में, प्रेम संबंध आपके ठीक ठाक रहेंगे, वैवाहिक जीवन भी ठीक ठाक आएंगे, पर बहुत अच्छे परफेक्ट नहीं कह सकते। व्यवसाय में आपका काम होता रहेगा, आपको बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, काम होगा चलेगा फिरेगा। 6 नंबर आपके लिए शुभ रहेगा और आपको कोई भी जो ट्रांसपेरेंट या हल्के
कलर्स होते हैं जैसे ऑफ वाइट वगैरह होते हैं, इसको पहनना अच्छा रहेगा। आपके लिए गाय की सेवा बनती है, यदि आप गाय की सेवा करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। इसके अलावा आप भगवान शिव को, अब आजकल तो लॉकडाउन है बंद है, वरना भगवान शिव की पूजा पाठ करेंगे, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट नंबर पे आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन संपत्ति के मामले में भी पैसा आएगा जाएगा, काम होता रहेगा, परिवार का सुख आपको नसीब होगा, प्रेम संबंध में किसी बात पे तूतू-मैं-मैं हो सकती है, वो तो खैर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है ही, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों बड़ी जल्दी गुस्सा होते हैं। व्यवसाय आपका ठीक ठाक रहेगा, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन बहुत नहीं, तालमेल बना के चलेंगे तो काम जरूर होगा। आठ नंबर आपके लिए शुभ है, काला रंग अच्छा रहेगा अगर पहनते हैं, नीला भी अच्छा है। आपको क्या करना है, यदि आप कुत्ते की सेवा करेंगे तो आपको लाभ होगा। इसके अलावा आप भगवान शनि देव की पूजा कीजिए, शनि स्त्रोत को पढ़िए, शनि चालीसा पढ़िए, इससे भी आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। नेक्स्ट नंबर पे आती है धनुराशि। धनुराशि वालों, स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, धन संपत्ति के मामले भी अच्छे रहेंगे, परिवार के साथ आपका मिलजुल के काम होगा, कुल मिला के चारों चीज़ देखें तो आपकी अच्छी बढ़िया है। प्रेम संबंध में थोड़ी सी तकरार हो सकती है, किसी बात को लेकर नाराजगी हो सकती है, किसी बात को लेकर तू-तू-मैं-मैं भी हो सकती है। सेम जीवन साथी के साथ भी यही हाल है, आपके जीवन साथी को लेकर किसी बात पे आप बहस कर सकते हैं, लड़ाई भी हो सकती है, तकरार हो सकती है, मगर आपका व्यवसाय बढ़िया रहेगा, व्यवसाय आपका अच्छा रहेगा, व्यवसाय में कहीं कोई दिक्कत मुझे नहीं नज़र आ रही है। आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए गोल्डन कलर अच्छा रहेगा, अगर आप गोल्डन कलर को पहनते हैं सूरज को अर्घ्य देना अच्छा है, और चार नंबर आपके लिए पूर्ण रूप से लकी रहेगा। तो ये था नेक्स्ट राशि। धनु के बाद हम जिस राशि करते हैं वो है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। मकर राशि जैसे आप जानते हैं आपके शनि देव मालिक है, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहने वाला, अच्छा रहने वाला, धन संपत्ति के मामले में काम बनते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, परिवार के मामले में कहूँगी कि खुशहाल रहेंगे और काम आपके बनते चले जाएंगे, प्रेम संबंध आपका ठीक ठाक रहेगा, व्यवसाय भी आपका अच्छा रहेगा, और आपका वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिर भी तालमेल के साथ आप कम कर लेंगे। आपको करना क्या है, पाँच नंबर आपके लिए अच्छा है, लक्की है, सफ़ेद रंग आपको पहनना है, और सफ़ेद के साथ साथ आप हल्के गुलाबी भी पहन सकते हैं, कोई भी लाइट कलर आप पहनिएगा, जो जैसे हल्का ग्रीन होता है, सी ग्रीन, वो भी अच्छा लगता है। चांदी का टुकड़ा या चांदी का कोई सिक्का या चांदी की चेन यदि आप पहनते हैं तो आपको लाभ मिलता है। शनिदेव की पूजा पाठ करना भी आपके लिए अच्छा है, शेखर है, बढ़िया है। उसके बाद हम जिस राशि की बात करते हैं उसे हम बोलते हैं कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वालों, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन संपत्ति के मामले में भी आप लकी बने रहेंगे, परिवार का सुख आपको मिलेगा, प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे, ना बहुत खराब ना बहुत अच्छे, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा हो सकती है लेकिन व्यवसाय में आपको अचानक लाभ भी होगा, इसके कारण से आप खुश होंगे, और थोड़ा थोड़ा कहीं पे भी असफल भी हो सकते हैं। लॉकडाउन है वैसे व्यवसाय तो सभी का इस समय डाउन ही चल रहा है, लॉकडाउन के साथ काम भी डाउन। वैवाहिक जीवन में आपको क्या करना है, वैवाहिक जीवन आपका बहुत ना अच्छा है ना बहुत खराब, यानी कि बैलेंस बना रहेगा। कुंभ राशि वालों, शनिदेव की पूजा तो आपको बनती ही है क्योंकि आज शनि आपके मालिक हैं, लेकिन केसरिया पीला रंग आपके लिए शुभ है, तीन नंबर आपके लिए लकी रहेगा। आपको करना क्या है, यदि आप अपनी प्रेमिका को प्रेमी को इत्र का गिफ्ट करें, यदि आप शनिदेव की पूजा करें, अगर आप शनि स्त्रोत का पाठ करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लकी रहेगा, और आपके लिए दिन खुशनुमा रहेगा। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं लास्ट मीन राशि वालों, सबसे लास्ट में आती है राशि, सबसे ज़्यादा इनको इंतजार रहता है। मीन राशि वाला, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, धन संपत्ति के मामले में भी आप लकी रहेंगे, लेकिन परिवार में थोड़ा सा तालमेल में कमी आ सकती है, हो सकता है आप किसी बात पर नाराज हो जाएं, व्यवसाय आपका ठीक ठाक रहेगा, और प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में भी आपको थोड़ा सा डाउन फील हो सकता है, आपके मन मुताबिक काम ना हो तो आपको चिड़न हो सकती है, ठीक है। और मीन राशि वालों, जल तत्व की राशि है आपको, बड़ी जल्दी जुकाम और मौसम बड़ी जल्दी जैसे चेंज होता है तो आपको भी ठंड लग जाती है, और आपके लिए मैं कहूँगी कि नौ नंबर तो आपके लिए लकी है, मरून रंग आपको पहनना चाहिए या लाल रंग, ये आपको थोड़ा गर्माहट देगा और ये आपके संबंधों में भी थोड़ी सी गर्माहट लाएगा। इसके अलावा सूर्य गायत्री मंत्र का या गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए शेखर बढ़िया रहेगा। तो ये था 12 राशियों का राशिफल, मुझे उम्मीद है कि आपको ये राशिफल अच्छा लगा है, और अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल और ग्रैंड माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल की तरफ से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और जिन लोगों ने भी मुझसे फ़ोन अपॉइंटमेंट्स लिए हैं थोड़ा वेट कीजिएगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे अभी मैं जो हूँ 22 तारीख तक के जो मेरे पास फ़ोन अपॉइंटमेंट्स बुक हुए थे 21 तक के मैं पूरे कर चुकी हूँ,
धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका भी जल्दी ही नंबर आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। थैंक यू सो मच।